हेलो एवरीवन, दिस इज शेख नमान। वेलकम टू स्टार न्यूज एक्सप्रेस। हेलो एंड वेलकम टू स्टार न्यूज एक्सप्रेस। टुडे शेख नदीम, सीपीआई हैदराबाद सिटी काउंसिल मेंबर, माजिद अली खान, एआईवाईएफ हैदराबाद वाइस प्रेसिडेंट एंड अदर पार्टिसिपेटेड एंड डिड धरना अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल हैकिंग ऑफ द टीएस गवर्नमेंट एंड दे डिमांड टू तेलंगाना गवर्नमेंट डोंट कलेक्ट द एक्स्ट्रा अमाउंट इन द वीक कंडीशन। So many people are suffering from lockdown. In this situation, electricity authority sending the thousands of rupees bills to houses. We strongly condemn and we demand to Telangana government take necessary action to solve this issue. With reporter Imran, this is Irfan, Star News Express. हैदराबाद की जानिब से आज हम लोग करंट बोर्ड ऑफिस को आए, आके सीपीआई की तरफ से धरने का एहतजाज किया गया। आज हम करंट के बिलों को जलाया गया इधर, क्योंकि केसीआर साहब लॉकडाउन के दरमियान जो हमसे वादा करे कि बोले कि मेबू तेलंगाना की आवाम का दर्द गम है बोले, उससे तेलंगाना की आवाम बहुत खुश हो गई कि सीएम केसीआर साहब हमारे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, सीएम केसीआर साहब हमको तकलीफ देने नहीं देंगे बोल के हम ये सोचे थे, मगर ये टोटली उल्टा नेगेटिव हो गया, क्योंकि केसीआर साहब जो बोले वो करे नहीं, मगर जो नहीं बोले वो कर दिए। हमको तेलंगाना की आवाम के लिए मैं बहुत अच्छा करूंगा बोले, मगर इनके साथ बहुत बुरा सलूक हो गया। देखो आप, क्योंकि आप 3 महीने का जो करंट बिल है आप देखिए, इससे लॉकडाउन के टाइम पे जो बिल आया था, जब से लेके अब तक अगर देखे तो डबल बिल आ गया लोगों को। किसी को 200 आने वाले को 1,000-1,200 रुपये आ गया, 500-600 आने वाले को 3,000-3,500 आ गया। प्रेजेंट बिलों के ताल्लुक से हम एकन भी गए, एडीकन भी गए, तकरीबन तेलंगाना के पेपर के जरिए केसीआर साहब के बात पहुंचाना बल्कि तकरीबन मुसलसल हम कार्रवाई कर रहे हैं, मगर केसीआर साहब के कान में जू तक भी नहीं दौड़ ली, क्योंकि केसीआर साहब तेलंगाना की आवाम से उनको कंसर्न नहीं है, उनको अपनी कुर्सी से कंसर्न है। ये तेलंगाना की आज हुकूमत ये हरकत कर रही, लिहाजा हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तेलंगाना केसीआर साहब आपको बराबर ये बात हम बोल देंगे कि अगर करंट के बिल अगर माफ नहीं होंगे तो हम खामोश बैठने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा एहतजाज और भी आगे बढ़ेंगे। आज हम यहाँ करंट ऑफिस को आए, कल प्रगति भवन को आएंगे, बाद में सेक्रेटरियट का घेराव करेंगे, हम खामोश बैठने वाले नहीं है, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते रहेंगे।